हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद विपुल में आप सबका स्वागत है। आज से हमारे चैनल पर क्विज डे स्टार्ट किया जा रहा है और आज क्विज डे संडे है और आज का जो क्विज है उसका स्टार्ट डेट है 5 अप्रैल 2020 और इसका जो लास्ट डेट है सारे स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए करेक्ट आंसर को कमेंट करने का वो है 11 अप्रैल 2020 8 PM। जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया गया था कि संडे का जो क्विज होगा उसके लिए नेक्स्ट सैटरडे के रात के 8 बजे तक आपको आंसर करना होगा, या अगर आपने स्टेप्स बाकी फॉलो नहीं किए तो उन स्टेप्स को फॉलो करके कंप्लीट करना होगा। अभी थोड़ी देर में आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन हम लोग देंगे, उस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट करना है 11 अप्रैल 2020 के रात 8 बजे के पहले। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, रिस्क अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमन एरर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन और लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स इज कॉल्ड। वैसे रिस्क को क्या कहते हैं जो किसी ह्यूमन एरर के कारण या इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन के कारण या इंटरनल कंट्रोल के कमी के कारण हो, उस रिस्क को हम किस नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन है ए मार्केट रिस्क, बी ऑपरेशनल रिस्क, सी सिस्टेमिक रिस्क, डी गैप रिस्क। और अब जो आपको आंसर करना है वो है 1 only C, 2 only B, 3 only A और 4 both C and D। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ मार्केट रिस्क इसका सही आंसर है तो आपको करना होगा 3 only A। अगर आपको लगता है कि नहीं ऑपरेशनल रिस्क इसका सही आंसर है तो आपको करना होगा 2 only B। वैसे ही आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आप कमेंट में 1 लिखकर छोड़ देंगे, नहीं, आपको 1 के बाद 1 only C भी लिखना है, 2 के बाद 1 only B भी लिखना है और अगर आप 3 लिखते हैं तो 3 के बाद 1 only A भी लिखना होगा, तभी आपका वो करेक्ट कमेंट माना जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।